यहूदा के विषय में जब भविष्यवाणी करता है तो वो ये कहता है कि यहूदा सिंह का बच्चा है, वो सिंह है। यानी सिंह का बच्चा होने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम इसके तीसरे खंड में हैं और उस खंड का नाम है परमेश्वर का सिंहासन और सात मोहरबंद पुस्तक। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 4:4-6 तक के विषय में सीखा था। आज हम उससे आगे सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 4:6-8 के विषय तक में जो है। सबसे पहले हम बाइबल को पढ़ लेते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कहता है 6-8 तक में, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा समुंदर है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंख ही आंख है। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है और तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाओ के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रभु के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। हम जब परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं तो ये जो चार प्राणियों का जिक्र है ये एज़ेकेल 10 अध्याय में और एज़ेकेल 1 में भी इसका वर्णन दिया गया है। जब हम एज़ेकेल 1 पढ़ेंगे और एज़ेकेल 10:1-4 तक पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनका वर्णन जो है वो मिल जाता है। 6 में जो अर्थ है इसका दिया गया है। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसको समझना जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कि लिखा, और उस सिंहासन के सामने विल्लोर के समान कांच का सा समुंदर है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंख ही आंख है। हमने पिछले संदेश में जो सिंहासन के सामने कांच के समान जो समुंदर सा फर्श है उसके बारे में हम लोगों ने वर्णन किया था, परंतु आज हम इसको देखेंगे कि उन प्राणियों के क्या है, आंखें ही आंखें हैं। आंखें ही आंखें होने का मतलब क्या होता है? यानी परमेश्वर यहां ये बताना चाहता है कि परमेश्वर की निगाहें जो हैं, जो आंखें हैं, निरंतर पृथ्वी और उसके निवासी के लोगों को देखती रहती हैं और उससे कुछ भी नहीं छुपा, कोई भी चीज उससे उसकी आंखों से छिप नहीं सकती है। वो सब कुछ देखता रहता है और सब कुछ वो जांचता और परखता है। परंतु 7 में लिखा हुआ है इन चारों प्राणियों का, जो चार प्राणी आपने सुने पढ़े गए कि इनका क्या अर्थ है। सबसे पहला प्राणी सिंह के समान है। यहां पर जो है सबसे पहला प्राणी जो है वो सिंह के समान है। ये सिंह के समान जो प्राणी है ये यहूदा के गोत्र को दर्शाता है। अब आप कहोगे यहूदा के गोत्र को कैसे दर्शाता है? जब आप उत्पत्ति 49 को पढ़ेंगे तो वहां पर याकूब जो है वो अपने बच्चों को, जो उसके 12 पुत्र थे, जो 12 गोत्र कराए, उनके विषय में भविष्यवाणी करता है। और जब आप उत्पत्ति के 49 को पढ़ेंगे 8-12 तक, तो वहां यहूदा के विषय में जब भविष्यवाणी करता है तो वो ये कहता है कि यहूदा सिंह का बच्चा है, वो सिंह है। यानी सिंह का बच्चा होने का मतलब क्या है? यहां जो बताया जा रहा है कि यीशु मसीह जो यहूदा के गोत्र से आया वो उसका बच्चा था, यीशु मसीह का बच्चा था। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। और क्या लिखा हुआ, प्रकाशित वाक्य 5:5 पढ़ोगे, परचिनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वे सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यह लिखा है यहूदा के गोत्र का वो सिंह जिसकी भविष्यवाणी याकूब ने जो है उत्पत्ति 49 में करी, जब 8-12 तक पढ़ेंगे कि यहूदा क्या है, वो सिंह का बच्चा है। किसका बच्चा बताया गया? यानी प्रभु यीशु मसीह का जो है उसको बच्चा बताया जा रहा है।
क्यों बताया, दर्शाया जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस यहूदा के गोत्र का सिंह है, और वो जो है यहां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि वो प्रकट हुआ किस चीज को, उस मोहरबंद पुस्तक की सातों मोहरों को तोड़ने में जो है वो प्रकट हुआ है और जयवंत हुआ है, परमेश्वर का वचन ये बताता है। और मीका 5 अध्याय और उसके 2 पद में भी देखिए भविष्यवाणी की गई है, मीका भी जो है भविष्यवाणी करता है, और क्या लिखा है मीका यहां यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी करता है क्या कहता है, मैं मेन चीज बता रहा हूं जो यहूदा के बारे में लिखा हुआ है, मीका 5 और 2 पद, वे यहूदा गोत्र से एक पुरुष निकलेगा, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। देखिए यहां क्या लिखा है, वो यहूदा के गोत्र से जो प्राचीन निकलेगा, जो पुरुष निकलेगा, उसका निकलना जो है वो कहां से है, प्राचीन काल से है, परंतु लिखा अनादि काल से, उसका कोई समय निर्धारित नहीं दिया गया है यहां पर। और यहूदा के गोत्र से जो निकल कर आया है, जो सातों मोहर बंद पुस्तक की मोहरों को तोड़ने में जयवंत हुआ है, वो मेमना है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में जो है वो दर्शाया गया है। फिर जब हम यहां पर पढ़ते हैं कि दूसरा प्राणी जो है वो बछड़े के समान है, अब यहां पर जो है दूसरे प्राणी की बात हो रही है, बछड़ा जो है ये बलिदान का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है। जब आप लय व्यवस्था 1 अध्याय से 7 अध्याय तक पढ़ेंगे तो वहां पर जो है उसमें होम बलि, अन बलि, मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि तथा और भी भांति भांति के बलिदानों के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से पशु पक्षियों के बलिदान हुआ करते थे और उसमें बछड़े का जो है मेन बलिदान हुआ करता था। जी हाँ, में बछड़े का जो है बलिदान हुआ करता था। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि लय व्यवस्था 4 अध्याय उसका 1 से 12 तक पढ़ लेंगे तो उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है कि बछड़े के बलिदान होने के विषय में जो है वो लिखा गया है। तो बछड़ा जो है वो बलिदान का प्रतीक माना गया है। तीसरा प्राणी मनुष्य जैसा है, यहां पर मनुष्य जैसा होने का मतलब क्या है, तो यीशु मसीह परमेश्वर है, वे आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है। जैसे आपने पढ़ा कुलुसियों 1 और उसका 15 जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है, और इस परमेश्वर का दर्शन जब मनुष्य रूप में था, देखिए परमेश्वर का जो दर्शन इसने पाया है जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में थे, तो उसका ईश्वरीय दर्शन, उसका परमेश्वर के रूप का दर्शन जो है पतरस, याकूब और यूहन्ना ने पाया। जब उसका रूपांतर होता है और उसका चेहरा जो है वो बदलने लगता है, और आप इस बात को जो है मत्ती 17:1-3 तक, मरकुस 9:2-13 तक, लूका 9:28-36 में आप पढ़ सकते हैं, और ये बात जो है लगभग 2000 वर्ष पूर्व जो है ये पूरी हुई है, और उसका ईश्वरीय रूप जो है वो प्रकट हुआ मनुष्य रूप में। दूसरी चीज, मनुष्य रूप की जब हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जो है, देखिए पूरी बाइबल के अंदर 2 आदम की बात कही गई है, प्रथम आदम जो मिट्टी का था और मिट्टी से बना, और दूसरा आदम जो स्वर्गीय था और वो यीशु मसीह के लिए कहा गया। प्रथम आदम जो आदम था, जो आदम की वाटिका में रखा गया, और दूसरा आदम यीशु मसीह जो हमारा बलिदान भी है, और वो आदम का आदम जो है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है, और आदम रूप में जो है प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो आया। और मनुष्य की जब हम बात करते हैं तो ये बुद्धिमानी को भी दर्शाता है। बहुत सी बातें जो है वो इस तीसरे प्राणी में जो है देखने को मिलती हैं जो मनुष्य रूप में दिखाया गया है। चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाओं के समान है, ये चौथा प्राणी जो है उड़ते हुए उकाओं के समान है, ये परमेश्वर के पवित्र लोग और यीशु मसीह की दुल्हन को प्रकट करता है। ध्यान दीजिएगा, ये यीशु मसीह की दुल्हन को प्रकट करता है और यीशु मसीह के लोगों को प्रकट करता है। यशायाह 40:31 में क्या लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाओं के समान उड़ेंगे,
वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे और चलेंगे और थकित ना होंगे। वो कौन? जो यहोवा की बाट जोते, जो परमेश्वर के आगमन की बाट जो रहे हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है, हमारा परमेश्वर आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, वो क्या करते हैं? वो इस खुशी में, इस आनंद में, इस इंतजार में जब जो रहते हैं, वो नया बल, नई शक्ति जो है वो प्राप्त करते चले जाते हैं। और जब वो परमेश्वर के कार्य के लिए दौड़ते हैं, जब वो परमेश्वर के कार्य में उड़ते हैं, जब वो परमेश्वर के कार्य के लिए लगे रहते हैं, तो लिखा है वो कभी उनको थकान महसूस नहीं होती है, वो जो है थकते नहीं है और वो हमेशा प्रभु के कार्य के लिए दौड़ते चले जाते हैं। ये परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ परमेश्वर के ये पवित्र लोग हैं। और जब आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर एक स्त्री का वर्णन है जो सूर्य ओढ़े हुए है, जिसके सर पर जो है 12 तारों का मुकुट है और चांद उसके पैरों तले है, जो सूर्य ओढ़े हुए है, यानी परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण है, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी है, स्त्री है वो। और स्त्री जो है वो कलीसिया को दर्शाया गया है नए नियम के अंदर। 12 तारों का मुकुट यानी ये 12 प्रेरित हैं जो उस कलीसिया को क्या करते हैं? सुशोभित करते हैं। और लिखा हुआ है कि चांद उसके पैरों तले का मतलब है कि आधुनिक यरूशलम जो है उसके अधीन है, जो उसका वर्णन दिया गया है। और ये यीशु मसीह की दुल्हन को जो है वो दर्शाया गया है, जैसे इफिसियों 5 अध्याय उसके 26 से 27 पद में क्या लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। अब परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन जो है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे ही जो है किसको? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को प्रकट करता है, जो इफिसियों में पौलुस कहता है। कैसी दुल्हन? जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में दी गई है। अब जरा प्रकाशित वाक्य 12 का 14 पद जो है बड़ा ध्यान से सुनेंगे। पर उस स्त्री को बड़े उकाओं के दो पंख दिए गए। किसके? बड़े उकाओं के दो पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वे एक समय और समो और आधे समय तक पाली जाए। अब यहां क्या करे? सांप यानी शैतान के सामने से, जो शैतान उसे नष्ट करने पर था, जो उसे मार डालने पर था, वो ऐसी जगह पर पहुंच जाए। यानी ये जो समय काल दिया गया है, ये 3.5 साल का महाकलेश काल है कि वो स्त्री यानी वो कलीसिया जो पवित्र है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जो निर्दोष है, जो तेजस्वी है, जिसको प्रभु अपने पास जो है प्रभु यीशु मसीह खड़ी करके रखता है, उसको दो उकाओं के पंख दिए कि वो उड़कर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। यानी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उसको ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। तो यहां पर जो है उस जो कलीसिया है, ये कलीसिया को वहां पर मैंने बताया कि वो पवित्र लोग हैं, और यहां पर ये कलीसिया यानी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसको प्रभु जो है उकाओं के समान बताता है। और वहां लिखा हुआ है जो चौथा प्राणी है वो उकाओं के समान उसको दर्शाया गया है। परमेश्वर का वचन इस बात को पूरी तरीके से, स्पष्ट तरीके से मुझे और आपको बता रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है? जब हम यशाया 6:2-3 पढ़ेंगे तो यहां लिखा, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से अपने मुंह को ढापे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। यहां पर क्या है? यहां पर जो 6 पंख वाले जो सराप दिखाए गए, जो स्वर्गदूत दिखाए गए हैं, अब उनका वर्णन जो है वो यहां पर किया जा रहा है, जो परमेश्वर का वचन करता है। किस तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? यशाया यहां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी है और यशाया भी जो है इन स्वर्गदूतों का जो है वो वर्णन करता है। और प्रकाशित वाक्य 4:8 में भी इस बात का वर्णन जो है वो मिलता है। अब यहां एक विशेष बात है, ये संदेश इन चारों प्राणियां द्वारा रात दिन सुनाया जा रहा है। और क्या संदेश जो है वो रात दिन सुनाया जा रहा है? कि यही सुनाया जा रहा है कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है।
मतलब इस बात को इन चारों प्राणियों के द्वारा ये स्पष्ट किया जा रहा है, उनकी निगाहें पृथ्वी के निवासियों पर लगी हुई हैं और इन सरदूतों के जो आंखें आंखें हैं वो पृथ्वी को और उसके निवासियों को देख रहे हैं और उनसे चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि जो पवित्र हैं पवित्र प्रभु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो था यानी सृष्टिकर्ता के रूप में प्रभु परमेश्वर यहोवा, और जो है यानी पवित्र आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा, और जो आने वाला है न्यायकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सतर्क हो जाएं, इस जो पैगाम इन सरदूतों के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है, हम इसको ध्यान से सुने और अपने आप को पवित्र बनाएं कि जो आने वाला, देखिए यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में प्रकट हुआ, पवित्र आत्मा वर्तमान रूप में हमारे बीच में प्रकट है, और अब यीशु मसीह प्रकट होने वाला है और उसका प्रकट होना बहुत ही नजदीक है, बहुत निकट है। इसलिए हम अपने आप को पवित्र बनाएं ताकि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने समक्ष खड़े हो सकें और अपने जीवन को उसके राज के अनुसार ढाल सके, अपने जीवन को जो है उसके राज में प्रवेश करने लायक बना सके। और इसलिए उन इन सरदूतों की आवाज को, इन चारों प्राणियों की आवाज को सुने, समझें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।